अस्सलाम वालेकुम। वही जदू। हमारे पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उसके जो वर्कर्स हैं और जो हमारे उनके जाले होते हैं जो बेसिकली पार्टी को फॉलो करते हैं और उसके लिए हर कुछ करने को तैयार होते हैं, अब मसला ये होता है कि चाहे वो जाले हों, वर्कर हों या कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली के मेंबर हों, क्या होता है कि वो अपने इखलाक से नीचे उतर आते हैं और इसको एक पर्सनल जंग समझना शुरू कर देते हैं। जबकि क्योंकि मुल्क तो एक है, सभी इस मुल्क के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, तो क्यों ना जो लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, उनको क्यों नहीं अपने इन वर्करों के लिए एक वर्कशॉप करनी चाहिए, एक लाए अमल करना चाहिए ताकि ये अपने इखलाक से नीचे ना उतरे। चंद काजी होते हैं, उनको चैनलाइज करें, उनको बताएं, अवेयरनेस बताएं किस तरीके से हमने इस मुल्क को रन करना है, किस तरीके से बेटरमेंट के लिए काम करना है, किस तरीके से बात करनी है। इसमें ये नहीं है कि एंड ऑफ द डे पता चले कि जनाब अपने आप ने इतनी हदें इतनी ज़्यादा क्रॉस कर ली और पता चला कि आप के हाथ से कोई जुर्म हो गया, फिर ये है कि आपको पार्टी बचाने आए कि और उसके बाद फिर तो वही नाइंसाफी होगी। अगर कोई गलत चीज़ हो रही है इनिशियल स्टेज पे, मेरा ख्याल है तरबियत का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब असेंबली में जिस तरीके से मेंबरान ने गाली गलौज की हैं, किताबें फेंकी हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट की है, तो आपको क्या ख्याल है कि ये एक अच्छा इम्पेक्ट है? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। मेरा ख्याल है कि दुनिया के जितने भी ईवान हैं सबको आप स्टडी करें, देखें लोग किस तरीके से सिविलाइज तरीके से बात करते हैं, काम करते हैं, अगर हार जीत होती है उसमें उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि दोबारा से वो लोगों के दरमियान में इतने पॉपुलर हों ताकि उन्हें चांस मिले उस गवर्नमेंट का, उस मुल्क को रन करने का। तो थिंक अबाउट इट, दिस इज़ अ गुड एडवाइस आई थिंक। टेक केयर।